जापानीज लैंग्वेज ग्रीटिंग्स। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे जापानीज लैंग्वेज ग्रीटिंग्स। आप ये सोच रहे होंगे कि जापानीज लैंग्वेज ग्रीटिंग्स तो बड़े आसान है, मुझे भी आता है, हाजी में माश्ते कोन्निचिवाई मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ध्यान से सुनिए कि कौन सा ग्रीटिंग किस समय पर बोलना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको किस टोन से, किस स्पीड से और किस एंथुजियाज्म से बोलना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी पूरी कोशिश है इस वीडियो में इन तीनों एंगल्स से आपको जापानीज लैंग्वेज ग्रीटिंग्स को सिखाना। देखिए, एक वीडियो को बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। इस टाइम जो लाइट्स की रोशनी मेरी आंखों में पूरी तरह से जा रही है, फिर भी मेरी पूरी कोशिश है आपको पूरी मेहनत के साथ ये बताना कि सिर्फ लैंग्वेज को सीखना ही नहीं, आपको पूरी तरह से मोटिवेट करना कि आप इसको इजीली सीख सकते हैं। जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं उसको रिपीट करिए। वेलकम टू Nihongomax, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक ग्रीटिंग से, जो कि आपने कई बार जैसे नेट पर या फिर बेसिक क्लास जिन्होंने अटेंड की हुई है जापानीज लैंग्वेज की, उनको वो ऑलरेडी आते होंगे। लेकिन कुछ ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पेक्यूलियर बातें जिनको अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा, हमेशा ये पता चलेगा कि इस ग्रीटिंग को इस समय इस टोन से बोला जा सकता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश के तौर पे याद रख लेते हैं उसको, और वो जब बोलते हैं उस ग्रीटिंग को तो वैसा रिस्पांस आता ही नहीं है जापानीज की तरफ से, क्योंकि वो टाइमिंग या फिर वो टोन या फिर वो सिचुएशन की गलती हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक ऑफिस ग्रीटिंग सीखेंगे, जैसे कोन्निचिवा, मोशिवा क्यारिमा सेन, सुमिमा सेन। तो इनको ऑफिस ग्रीटिंग्स क्यों बोला है, क्योंकि पहले अगर आप इस तरह से सीखेंगे कि फॉर्मल ओकेजन में, फॉर्मल सिचुएशन में एक ग्रीटिंग को बोलना किस तरह से बोला जाता है, तो फिर इनफॉर्मल सिचुएशन में वो बहुत इजीली आप उसको यूज कर सकते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं हमेशा हम फॉर्मल सिचुएशन से। कोन्निचिवा, कोन्निचिवा, ये तो इसी टोन से बोला जाएगा, और हैप्पीनेस थोड़ी सी इसके अंदर डाली जाएगी, जैसे कोन्निचिवा, तो हेलो, गुड डे अगर आप बोल रहे हैं तो एक हैप्पीनेस से, एक वार्म्थ के साथ आपको इसको बोलना होता है। इसका मतलब होता है हेलो, हाय, गुड डे। कभी भी किसी भी टाइम पर बोला जा सकता है, जैसे कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ओहायो गोज़ाइमस होता है सुबह, कोन्निचिवा दिन में, कोम्बावा शाम को, ऐसा कोन्निचिवा के साथ फिक्स रूल नहीं है। अगला ग्रीटिंग देखते हैं हम, दोमो आरिगातो, ये भी बहुत आसान है, सबको पता है कि इसका मतलब होता है थैंक्स। आरिगातो, आरिगातो गोज़ाइमस और दोमो आरिगातो, इनमें फर्क क्या है थोड़ा सा, अगर हम आरिगातो और आरिगातो गोज़ाइमस में डिफरेंस देखें तो आरिगातो गोज़ाइमस होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन और आरिगातो होता है दोस्तों के लिए। अब दोमो आरिगातो जो है ये भी एक तरह का इनफॉर्मल एक्सप्रेशन के तौर पे भी यूज हो सकता है और फॉर्मल एक्सप्रेशन के तौर पे भी यूज हो सकता है। दोमो का मतलब होता है वेरी मच, एक तरह से इस तरह से सोच सकते हैं, वैसे इन दोनों का मतलब है थैंक यू। आगे जैसे लिखा हुआ है आरिगातो गोज़ाइमास, तो ये एक फॉर्मल ओकेजन पे आप यूज कर सकते हैं, इस पर ज्यादा टाइम ना लगा के आप इसको थोड़ा सा मिक्सर मैच करके यूज कर सकते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले जो ग्रीटिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमिमा सेन, ये जो ग्रीटिंग है ये एक तरह से एक्सक्यूज मी के लिए भी यूज होता है, सॉरी के लिए भी यूज होता है, तो आपने सीखा होगा। लेकिन जब सॉरी के लिए यूज होता है तो टोन अलग हो जाती है, जैसे कि सीमा सेन, सुमिमा सेन, इस तरह से सॉरी वाली टोन इसमें आ जाती है। लेकिन अगर जैसे एक्सक्यूज मी के लिए यूज हो रहा है तो सुमिमा सेन, इस टोन से इसको बोला जाता है। अगला जो मोशिवा के आरिमा सेन लिखा हुआ है, ये सिर्फ ऑफिशियल सिचुएशन पर यूज होता है, ये सिर्फ तब यूज होता है जब हम एक अपने बॉस से, सीनियर से, कलीग से या फिर किसी कस्टमर से ऑफिशियल सिचुएशन में सॉरी बोल रहे हैं। इसका अपने आप ही इस वर्ड का मीनिंग है कि ये जो सॉरी है ये पूरी सर्विसेज के लिए या फिर कंपनी की तरफ से या फिर एक जॉब की जो लाइबिलिटी है उसकी तरह से, उस एंगल से मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। मोशी मोशी जो है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसको आपने ये सीखा ही होगा कि ये हेलो होता है, फोन पे जो हम हेलो बोलते हैं उसको मोशी मोशी बोलते हैं। लेकिन मैं क्यों इसको कंट्रोवर्शियल बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कंपनी इसको यूज करना अच्छा नहीं समझती। आप अभी स्टार्टिंग में बेसिक के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं फोन पर, अगर आप किसी जापानी से बात करें या फिर किसी से बात करें जो जापानी जानता है तो मोशी मोशी करके आप बोल सकते हैं। लेकिन आज भी बोला जाता है, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ कंपनीज होती है जो मोशी मोशी से ना स्टार्ट करके सीधा, जैसे हमारे भारत में होता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, इस कंपनी के नाम से शुरू होता है, तो वो कल्चर ज्यादातर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिथिरेशिमास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रीटिंग है, ये हमेशा मैं क्लास में बताता हूँ बच्चों को, उन्होंने इंग्लिश मीनिंग इसका याद किया हुआ है कि जब हम एंटर करते हैं या फिर हम जब बाहर जाते हैं तो शिथिरेशिमास बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिथिरेशिमास जो है ये बाहर जाते समय ज्यादा यूज होता है। सोचिए बाय बाय के तौर पर इसको यूज करिए ऑफिशियल केस में, जैसे किसी मीटिंग से या फिर किसी क्लास से या फिर किसी सीनियर से
बाय बाय बोलते समय आई एम टेकिंग योर लीव वहां से जाते समय इसको बोला जाता है. पहले उसकी प्रैक्टिस करिए, ये ज्यादा यूज होता है. एक बार टोन को देख लेते हैं. शित्सरेशिमास तो इसका मतलब है बाय बाय. पहले आप इसको बाय बाय के तौर पर याद रखिए. ये भी बात सही है कि एंटर करते समय होता है, लेकिन एंटर करते समय शित्सरेशिमास बोलना जो है ना बहुत ही कम होता है और वो लिमिटेड केसेस में होता है. और दूसरी बात कि वो उन लोगों के साथ होता है जैसे आप सीनियर और वो जूनियर है, या फिर ऑलरेडी आप लोगों का मीटिंग में बातचीत हो रही है. तो क्योंकि अगर आप मीटिंग चल रही है आप बीच में शित्सरेशिमास करके बोल रहे हैं तो वो ऑलरेडी डिस्कस्ड सी है. इसका मीनिंग जो होता है वो होता है कि आई एम डूइंग अ डिस्कस्ड सी, मतलब इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन असल में इसका ट्रांसलेशन का कोई फायदा नहीं होगा. इसको इस तरह से समझिए कि बाय बाय बोलते समय ऑफिशियल केस में या मीटिंग वगैरह से बाहर जाते समय इसका यूज होता है. अगला जो एक्सप्रेशन है जा माता आस्ता, ये तो बिल्कुल ही बेसिक में है, आपने सीख भी लिया होगा जिन्होंने N5 शुरू किया हुआ है सीखना. जा माता आस्ता का मतलब होता है चलो फिर कल मिलते हैं, क्योंकि आस्ता का मतलब होता है कल और जा माता अलग से भी यूज होता है. इसका मतलब होता है चलो फिर मिलते हैं, पता नहीं कल मिलेंगे परसों मिलेंगे अगले हफ्ते मिलेंगे. अगर पता है तो बोल सकते हैं, जैसे आपको पता है कि अब हम बुधवार को मिलेंगे तो जा माता सुयोगी, इस तरह से बोल सकते हैं. अगर आपको पता है कि हम परसों मिलेंगे तो जा माता असत्य, अगर नहीं पता तो सिर्फ बोल सकते हैं जा माता. आगे बढ़ते हैं ओत्सुकारे सामा देशता. देखिए ये जो ग्रीटिंग्स है ना, ये जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है ये भी मुझे समझ आ गया मैं यूज कर लूंगा, लेकिन बात होती है कि जैसे हम क्लास में भी इन चीजों को सिखाते हैं तो बच्चे एक बार सुन के समझ लेते हैं लेकिन फिर उसको यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो उसी टाइम भूल जाते हैं या एक या दो दिन बाद भूल जाते हैं. तो बात यह है कि रिपीट करिए इन चीजों को और उसे टोन से रिपीट करने की कोशिश करिए, जैसे ध्यान से सुनिए उत्सुकारे सामा देशता, इस तरह से आपको भी बोलना है. चलिए इसका मीनिंग देखते हैं. इसका मतलब होता है, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें इंग्लिश में तो इसका उत्सुकारे का मतलब होता है थकान और उत्सुकारे सामा देश का मतलब है कि आप थक गए होंगे, यानी कि गुड जॉब डन इस तरह से भी हम कह सकते हैं, या फिर वेल गुड जॉब डन फॉर टुडे, इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट अगर आप करना चाहते हो कर सकते हैं. लेकिन ये भी आप बस ये याद रखिए कि ये उस बाय बाय के लिए है जो कि आप अपने दोस्त को या फिर अपने कुलीग को बाय बाय बोल रहे हैं, जैसे ऑफिस जॉब खत्म हो गया, या फिर मान लीजिए आपने साथ में टेनिस खेला है और आप अब एक दूसरे को बाय बाय बोल रहे हैं, या फिर आपने साथ में क्लास अटेंड करी है बातचीत करी है और आप अलग जा रहे हैं अब वो अलग जा रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं उत्सुकारे सामा देश. अगर दोस्त है तो आप सिर्फ उत्सुकारे भी बोल सकते हैं. और आपने साथ में कोई टीम वर्क करा है उसके बाद एक दूसरे को ये बोला जाता है. इसमें बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे कि उत्सुकारे सामा देश जो है वो सीनियर जूनियर दोनों को बोला जा सकता है. गोकुरो सामा देश जो होता है वो सीनियर ही जूनियर को बोलेगा. गोकुरो सामा एक एडवांस एक्सप्रेशन है, उसको भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल उत्सुकारे सामा देश जो है वो सबसे ज्यादा चलता है जापान में, तो इसी तरह से इसको याद रखिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. उमेदेतो गोजाइमास, इसका मतलब होता है कांग्रेचुलेशन किसी भी चीज पर, बर्थडे पर, शादी पर, उमेदेतो गोजाइमास या पास होने पर. तो इसको भी उसी एंथुजियाज्म से बोलिए, उसी जोश से बोलिए कि आप सच में उसको कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं. उमेदेतो गोजाइमास, इस तरह से कांग्रेचुलेट किया जाता है. कोचेरा कोसो, इसका मतलब होता है कि सेम हियर, जैसे कि आप सेम ही चीज उसको भी बोलना चाहते हैं. जैसे कभी कभी होता है कि अगर किसी ने हमें बोला थैंक्स तो हम भी कहते हैं नहीं नहीं सेम हियर, मतलब मेरी तरफ से भी थैंक्स, तो आप कह सकते हैं कोचेरा कोसो. तो ये जो है सेम हियर का मीनिंग दिमाग में सोचते हुए उसी टोन से बोलिए कोचेरा कोसो. इवन ये कभी भी सॉरी के लिए भी यूज होता है, जैसे उन्होंने बोला सॉरी तो आप बोल सकते हैं नहीं नहीं मेरी तरफ से भी सॉरी, तो कोचेरा कोसो. आगे बढ़ते हैं चौथा माते कुदासाई, ये तो हमने पहले भी सीखा हुआ है, मतलब पहले चैप्टर में इसको सिखा देते हैं कि इसका मतलब होता है थोड़ा वेट करिए. देखिए बीच में सिर्फ जो माते है इसका अलग से मतलब होता है वेट करो, कुदासाई होता है प्लीज, और चौथो का मतलब होता है थोड़ा, तो थोड़ा वेट करो प्लीज. चौथो माते कुदासाई, हाय चौथो माते कुदासाई, इस तरह से आप बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ इतना बोल सकते हैं चौथो माते. अगर आपके वो फ्रेंड है कुदासाई हटा सकते हैं, और भी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है तो माते, एक तरह से ऑर्डर हो जाएगा ये रुको वेट करो. चलो चलते हैं सो दिस का. देखिए हिंदी से काफी मिलती जुलती है जापानीज, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया, तो ये भी उसी का एक एग्जांपल है. सो दिस का इसका मतलब है अच्छा ऐसा है क्या. और अगला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो है सो दिस ने, तो थोड़ा सा अपने आप गेस करिए क्या हो सकता है. सो दिस ने का मतलब होता है हाँ बात तो सही है, या फिर बिल्कुल ऐसा ही है. जैसे कोई नई बात पता चली कि आज ऐसा हो गया तो आप कह सकते हैं सो दिस का, यानी कि ऐसा हुआ क्या. और अगर कोई कहे जैसे आज बहुत गर्मी है आज बहुत सर्दी है, तो आप बोलेंगे
सो दिस ने, यानी कि हाँ भाई बात तो सही है। आगे बढ़ते हैं मोर इच्छी दो ओनेगाशिमास। इसमें ओनेगाशिमास भी एक तरह से एक्सप्रेशन है, जब भी कोई भी आपको रिक्वेस्ट करनी होती है कोई भी चीज, जैसे कि आप इशारे से बोलते हैं एक बुक देके कि ये प्लीज बुक वहां रख दो, तो इसके लिए भी सिर्फ इतना सा बोल देंगे ओनेगाशिमास, तो वो समझ जाएगा हाँ भाई आई रिक्वेस्ट, इसका सीधा मतलब होगा आई रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के फॉर्म में इसको बोलने की कोशिश करिए एक बार, ओनेगाशिमास ओनेगाशिमास। अब देखते हैं मो इची दो। मो का मतलब होता है एक बार और इची दो का मतलब होता है एक बार और। इची का मतलब होता है वन और दो का मतलब होता है टाइम्स, तो वन टाइम, और मो का मतलब होता है अगेन, तो एक बार और। ओनेगाशिमास यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज ये जो आपने अभी कहा है या फिर ये जो आपने अभी बोला है इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। मो इची दो ओनेगाशिमास, इस तरह से आप कह सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एक्सप्रेशंस जो कि यहां पर मैंने ऐसा क्यों बार बार योरोशिको ओनेगाशिमास योरोशिको ओनेगाशिमास योरोशिको ओनेगाशिमास लिखा हुआ है, क्योंकि ये सबसे पहले हमें याद रखना है कि जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपसे कहा जाता है बोलिए हाजी बेमाश्ते वाता शिवा नान्यानी देस योरोशिको ओनेगाशिमास। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि सिंपल एक ही बार में अपना पूरा इंट्रोडक्शन आप एक ही बार में भी दे सकते हैं। कोई भी आपका नाम है तो उसके आगे दिस लगाइए, जैसे सुनील दिस, अमित दिस, रवि दिस, योरोशिको ओनेगाशिमास, यानी कि मेरा नाम ये है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कोऑपरेशन। योरोशिको ओनेगाशिमास का ट्रांसलेशन अगर आप कुछ भी करें तो मतलब हिंदी में कोई ऐसा सिमिलर एक्सप्रेशन है नहीं, तो आप इसी तरह से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि मैं आपके हमारे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए आपसे कोऑपरेशन चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहे। तो इसलिए एंड के जो सेंटेंस है जैसे कुमामोतो देस योरोशिको ओनेगाशिमास, कुवा कावामुरा देस योरोशिको ओनेगाशिमास, सातो देस योरोशिको ओनेगाशिमास, तो इस तरह से आप भी अपने नाम के आगे योरोशिको ओनेगाशिमास बोलना सीखिए। चलिए पहला सेंटेंस देखें, योशिदा सान कोनिचिवा ओ गेंकी देस का हाई गेंकी देस अरिगातो गोज़ाइमासु। तो इसको इस टोन से बोलते हैं कि आप सच में उससे एंथुजियास्टिकली कुछ पूछ रहे हैं, योशिदा सान कोनिचिवा ओ गेंकी देस का हाई गेंकी देस अरिगातो गोज़ाइमासु। तो योशिदा सान आप कैसे हैं, मतलब हेलो हाउ आर यू, तो वो आंसर दे रहे हैं हाई गेंकी देस, यानी कि हाँ मैं अच्छा हूं, गेंकी का मतलब आई एम गुड आई एम हेल्दी, मतलब ये हाउ आर यू का रिप्लाई होता है और एंड में अरिगातो गोज़ाइमासु। तो इस तरह से आप रिपीट करिए, ये सीखने में सुनने में आसान लग रहा है लेकिन टोन के साथ साथ रिपीट करने की कोशिश करिए, इनको सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजीली आप इनको बड़े आराम से सीख के यूज कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ आया होगा, और अगर मैं कुछ बताना भूल गया हूं या फिर कोई ऐसा ग्रीटिंग जो कि आप सीखना चाहते हैं और मैंने आपको नहीं सिखा पाया हूं, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे आगे आने वाले वीडियोज को भी आप इस तरह से केयरफुली देख के ये पूछने की कोशिश करिए कि किस किस कंटेंट पर आप क्या क्या हमसे जानना चाहते हैं, क्या क्या चीज हमसे पूछना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको सिखाने के साथ साथ मोटिवेट भी करने की। थैंक यू सो मच।